जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट जेयू की परीक्षा का परिणाम 2 सालों से नहीं निकाले जाने पर अभ्यर्थियों के भविष्य पर तलवार लटक गई है और 2 साल से ज्यादा समय होने के चलते अब अभ्यर्थियों की सब्र का बांध टूटता जा रहा है, क्योंकि पिछले काफी महीनों से केवल मात्र हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। परिणाम न निकाले जाने की सूरत में चयन आयोग कार्यालय हमीरपुर में प्रदेश भर से दर्जनों अभ्यर्थियों ने पहुंचकर प्रदर्शन किया और जल्द परिणाम घोषित करने की मांग की और साथ ही आयोग को चेताया है कि जल्द परिणाम घोषित नहीं किया जाता है तो आयोग कार्यालय के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल पर अभ्यर्थी बैठने के लिए मजबूर होंगे। अभ्यर्थियों ने बताया कि 2 साल पहले जेयू के लिए भर्ती की गई थी, लेकिन इतना समय होने पर भी परिणाम नहीं निकाला गया है, जिसके चलते प्रदेश सरकार के हजारों अभ्यर्थियों में गहरा रोष है। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को पहले परिणाम निकालने के लिए कहा गया था, लेकिन आज भी परिणाम नहीं निकाला गया है, जिस कारण अब मजबूरन भूख हड़ताल के लिए बैठना पड़ेगा। कोड जो एक भर्ती हुई थी जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की, उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट करने के लिए आए हुए हैं कि रिजल्ट 2 साल से लटका हुआ है। 6 महीने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है, तो उसके लिए हम प्रार्थना लेके आए हैं सचिव के पास। इससे पहले कम्युनिकेशन हुआ आपके यहाँ? कम्युनिकेशन बहुत बार हो चुका है, हर बार हमें 5-7 दिन बोला जाता है कि 5-7 दिन में आ रहा है, 10 दिन में आ रहा है, 15 दिन में। आज के लिए बोला था इन्होंने 31 अक्टूबर के लिए कि आज हम निकाल देंगे, तो हम उसी उम्मीद में आए कि आज निकालें, नहीं तो हम कल से फिर यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, चेन हंगर स्ट्राइक करेंगे पूरे। हम एजेंडा यही है कि रिजल्ट को आने में बहुत देर लग रही है, 2 साल से ज्यादा समय हो गया है, हमको लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं जो कि झूठे ही साबित होते जा रहे हैं और हमारी पेशेंस सब खत्म हो चुकी है। तो अब आज भी अगर आपको बोला है कि रिजल्ट तो फिर हम कल धरने पे स्टार्ट करेंगे, कल से धरना। अभ्यर्थियों ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आयोग पहले बहाना लगा रहा था, लेकिन सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भी परिणाम को लटकाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब भी आयोग कार्यालय में पता किया जाता है तो अगले सप्ताह की बात कही जाती है। उन्होंने कहा कि परिणाम की वजह से दूसरी परीक्षाओं की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं और सभी अभ्यर्थी मानसिक तौर पर परेशान हो रहे हैं। 2016 में भरे थे, ये वो भी अक्टूबर महीना था या नवंबर महीना, लेकिन अब जो है पूरे 2 साल हो गए हैं और 2 साल से ऊपर हो गए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अप्रोक्सीमेटली जो है 5 महीने से या 6 महीने के लगभग हो चुके हैं, और इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने 3400 बंदा 3400 कैंडिडेट जो है बुलाया गया था, और उसके बाद भी इन्होंने जो है आज तक जो है 5-6 महीने हो जाने के बाद भी, बीत जाने के बाद भी इन्होंने जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। हम इनको टेलीफोनिकली पूछते हैं, ये कहते हैं जी 2 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, इस हफ्ते आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, और कल हमने दोबारा फिर फोन करके पूछा तो ये कह रहे हैं कि अभी तो 20-25 दिन और लगेंगे, पहले ये कह रहे हैं कि 31 तारीख तक आ जाएगा, 31 अक्टूबर तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई नामो निशान ही नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा है कि कमीशन चाहता क्या है, एक बार क्लियर तो कर दे, क्योंकि हम जो है और भी पोस्ट कोड में हमने फॉर्म भरे हुए हैं, लेकिन इस रिजल्ट की वजह से जो देरी हो रही है, ना तो हम अगले टेस्ट की तैयारी कर पा रहे हैं और ना हम जो है इस रिजल्ट के बारे में हम सोच पा रहे हैं कि कब आएगा और कैसे होगा, कि अगर आज शाम तक ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं तो हमें इमीडिएटली जो है वो हंगर स्ट्राइक, चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठने की हमने सोची हुई है और हम परमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आज, तो हम जो है स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। आयोग सचिव जितेंद्र कंवर ने बताया कि आरएनपी रूलर्स के अनुसार ही परीक्षा परिणाम तैयार किया गया था, जिससे मामला ट्रिब्यूनल और कोर्ट में जाने से परिणाम में देरी हुई है, लेकिन अब फैसला आने के बाद आयोग ने कमेटी गठित की है जो जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुझाव देगी। उन्होंने बताया कि आए हुए सुझावों के उपरांत ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। मामला ये है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के अंतर्गत की गई थी स्टार्ट, जिसमें कि रिटन एग्जाम के बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करने के उपरांत 15 मार्क्स का इवेल्युएशन प्रोसेस भी पूरा कर दिया गया था, उसके उपरांत माननीय ट्रिब्यूनल में स्टे ऑर्डर लगा था और स्टे ऑर्डर 12 मई को इस साल लगा था और 28 अगस्त को फिर वही स्टे ऑर्डर जब वहां से हटा तो 28 अगस्त को हमारे माननीय उच्च न्यायालय में जो है फिर से जो गवर्नमेंट से इसमें क्लेरिफिकेशन आया था, जिस बेस पे भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी आरएमपी रूल के अनुसार, वो माननीय हाई कोर्ट द्वारा उस कम्युनिकेशन को कैंसिल कर दिया और उसके उपरांत इस आयोग
में जब वो कम्युनिकेशन हमारे पास वापस आया कि आप स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद आरएमपी रूल इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, तो हमारे माननीय आयोग ने एक कमेटी का गठन किया है जो हमारी इंटरनल कमेटी है, और उनको 7 पॉइंट्स पे रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। तो जहाँ तक रिपोर्ट सबमिशन का सवाल है, उसमें बहुत सारे इश्यूज खासतौर पे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के बारे में है, जिसमें पूछा गया है कि किन किन जो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, किन किन का डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से है, वो सबसे मुख्य पॉइंट है जिसमें कमेटी को उस चीज़ को एग्जामिन करने में समय लग रहा है। तो उम्मीद यह है कि लगभग एक सप्ताह के अंदर कमेटी रिपोर्ट दे देगी, और उसके उपरांत उस 7 पॉइंट पे कमीशन जो है अंतिम निर्णय जब लेगा, उसके उपरांत इसका अंतिम परिणाम घोषित करने के बारे में कार्रवाई कर दी जाएगी।